सिद्धार्थ सर्किट हाउस से हड़बड़ाते हुए बाहर आया और गौरी को पुकारने लगा। सिद्धार्थ यहां वहां पर गौरी को खोजने लगा। उसके पीछे बूढ़े बाबा और मिस्टर बजाज भागते हुए आए। सबके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ सर्किट हाउस के मेन गेट से बाहर जाने ही वाला था कि बूढ़े बाबा ने उसे बाहर जाने से रोक दिया। उन्होंने सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश की कि इतनी रात को बिना हथियार बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। सिद्धार्थ गुस्से से अंदर गया और अपनी कुल्हाड़ी लेके बाहर आया और गुस्से से उस कुल्हाड़ी से वहां रखे हुए मिट्टी के घड़ों पर वार करके उन्हें तोड़ने लगा। बूढ़े बाबा और मिस्टर बजाज ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ का गुस्सा सातवें आसमान पर था। सिद्धार्थ किसी के रोकने से नहीं रुकने वाला था। सिद्धार्थ गुस्से में रसोई घर में गया और मिट्टी का तेल उठाकर लेकर आया और दहाड़ते हुए बोला, आज मैं उस हवेली को जला दूंगा, ना रहेगा सांप ना रहेगा उसका जहर। ये कहते ही सिद्धार्थ ने अपने पैरों से मेन गेट को लात मारकर खोला और एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे में मिट्टी का तेल लेकर हवेली की ओर तेजी से चलने लगा। बूढ़े बाबा भागकर उसके पीछे गए और उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सिद्धार्थ नहीं रुका। सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा कि जब सारी फसाद की जड़ को ही खत्म कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तब बूढ़े बाबा उसे समझाते हुए कहते हैं, हवेली जला देने से अगर सब ठीक हो जाता तो तुम्हारी जरूरत ही क्या थी सिद्धार्थ। ये काम तो गांव वाले कब के कर चुके होते, और हवेली जलाने से शैतान तो मरे ना मरे, तुम्हारी मां और गौरी दोनों जरूर मर जाएगी। यह सुनते ही सिद्धार्थ रुक गया। उसके हाथ से मिट्टी का तेल का डब्बा जमीन पर गिर गया। सच्चाई का सामना होते ही उसका गुस्सा शांत हुआ, उसे होश आया। सिद्धार्थ वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। बूढ़े बाबा उससे जोश और होश दोनों कभी न खोने की बात समझाकर उसे सर्किट हाउस के अंदर वापस लेकर गए। बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ दोनों ने ना चाहते हुए भी खाना खाया और सोचने लगे कि गौरी गई कहां होगी। तभी अचानक सिद्धार्थ की आंखें चमकी और उसने बूढ़े बाबा को वो वाक्य याद दिलाया जब वे दोनों हवेली में कुल्हाड़ी लेने सीढ़ी चढ़ रहे थे और उन्हें किसी इंसान के कदमों की आहट हुई थी और दबी दबी आवाज आ रही थी। बूढ़े बाबा ने हामी भरी और सिद्धार्थ ने कहा कि वो गौरी ही होगी, क्योंकि उससे तभी भी ऐसा लग रहा था कि कोई मदद मांग रहा था। सिद्धार्थ तुरंत वहां से उठकर हवेली जाने की तैयारी करने लगा। तब रसोई बनाने वाले काका दयाल ने उससे कहा कि उसकी पत्नी भी एक दिन ऐसे ही गायब हुई थी और वो भी सप्तमी की शाम थी। तब से लेकर अब तक गांव की कई सारी औरतें गायब हुई थी और सारी औरतें सप्तमी की शाम को ही गायब हुई थी और उनमें से कोई कभी लौट कर नहीं आई। तब बूढ़े बाबा को यह समझते देर नहीं लगी कि गौरी के गायब होने और उस दरवाजे के खुलने में कोई नाता नहीं था और ये दोनों घटनाएं अलग अलग थी। उन्होंने सिद्धार्थ को और बजाज को यह बात समझाई और सिद्धार्थ को याद दिलाया कि उसके पास अब सिर्फ 12 घंटे बचे थे भेड़िए को मारने के लिए। वे उससे तैयारी करने के लिए कहते हैं, सिद्धार्थ बूढ़े बाबा गांव के सरपंच और मिस्टर बजाज चारों रात भर बैठकर उस भेड़िए को फंसाने का प्लान बनाते हैं, जिसके मुताबिक दूसरे दिन सिद्धार्थ सरपंच के बेटे मोहन के साथ जंगल जाकर लकड़ी जमा करेगा। सरपंच और मिस्टर बजाज तय जगह पर एक बड़ा लकड़ियों का बड़ा सा पिंजरा जैसा बनाएंगे और फिर वहां गड्ढा खोदेंगे जिसमें लकड़ियों के भाले घुसा के उस गड्ढे के ऊपर से ढक देंगे और उस भेड़िए को आकर्षित करने सिद्धार्थ को वहां एक खूंटे से बांध देंगे और सिद्धार्थ को मारने जैसे ही भेड़िया वहां आएगा बूढ़े बाबा इशारा करेंगे और सरपंच और मिस्टर बजाज रस्सी खींचेंगे जिससे सिद्धार्थ ऊपर खींचा चला जाएगा और भेड़िया उस गड्ढे के नुकीले भालों में गिरकर मर जाएगा। जैसा तय हुआ था उसी तरह सिद्धार्थ और मोहन दूसरे दिन सुबह जंगल की ओर जाने लगे। सर्किट हाउस के पीछे वाली छोटी सी पगडंडी से होते हुए वे लोग निकले। ये बहुत जरूरी था कि कोई नरभक्षी उन्हें जंगल की तरफ जाते हुए न देखे, नहीं तो वे नरभक्षी लोग उनका पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच जाएंगे और फिर प्लान कामयाब न हो पाएगा। सरपंच ने सर्किट हाउस के बगल वाले बाग में पावड़ा लेकर गड्ढा खोदना शुरू किया और मिस्टर बजाज ने
सर्किट हाउस के स्टोर रूम में रस्सी पुल्ली वगैरह ढूंढना शुरू किए। बूढ़े बाबा चुपके से एक पेड़ पे चढ़ते हैं और स्पीकर में जोरों से कहते हैं कि वीरानगढ़ के गांव वालों, ध्यान से मेरी बात सुनो। इन नरबक्षियों के साथ विशाल काया भेड़िया भी गांव में घुस आया है, इसीलिए कोई घर से बाहर न निकले और भूल से भी कोई खिड़की दरवाजा खुला न रखे। सिद्धार्थ और मोहन गांव वालों की नजरों से बचते हुए जंगल पहुंच गए। तब सिद्धार्थ ने मोहन से हर पल सावधान रहने को कहा कि कहीं कोई नरभक्षी या वो भेड़िया ना आ जाए और उनका ध्यान इन पर आकर्षित न हो, इसीलिए वे जंगल से सिर्फ सूखी नीचे गिरे हुए लकड़े उठाएंगे और बहुत जरूरत होने पर ही कुछ पेड़ काटेंगे। मोहन समझ गया और वे दोनों लकड़े ढूंढने लगे और ज्यादा आवाज न करते हुए लकड़ी उठाने लगे। तब अचानक कहीं से गौरी की आवाज आई, सिद्धार्थ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ सतर्क हो गया और वह आजू बाजू देखने लगा कि कहीं गौरी वहीं आसपास तो नहीं है। उसने देखा वहां पर कोई नहीं है तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा। थोड़ी ही देर में फिर से गौरी की आवाज आई, सिद्धार्थ सिद्धार्थ मुझे बचाओ। अब सिद्धार्थ को लगा कि कहीं सच में गौरी उसे पुकार तो नहीं रही थी। उसने मोहन से पूछा कि उसने कोई आवाज सुनी तो मोहन ने मना किया। सिद्धार्थ ने फिर एक बार उसे भ्रम मानकर अपना काम जारी रखा। थोड़ी देर हुई थी कि फिर से गौरी की आवाज सिद्धार्थ को सुनाई दी, सिद्धार्थ प्लीज मुझे यहां से बचाओ। अब सिद्धार्थ से रहा नहीं गया, उसे गौरी को किसी भी हाल में बचाना था। सिद्धार्थ ने आओ देखा न ताओ अपनी कुल्हाड़ी निकाली और आवाज की दिशा में आगे बढ़ा और जोरों से चिल्लाया, गौरी गौरी कहां हो तुम? मैं आ रहा हूं तुम्हें बचाने। मोहन घबरा गया और उसने सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ मानने वाला नहीं था। मोहन ने उसे समझाने की कोशिश की कि उनकी आवाज सुनकर नरभक्षी और भेड़िए वहां आ सकते हैं, तो सिद्धार्थ ने उससे कहा कि गौरी किसी मुसीबत में है मोहन, तुम लकड़ियां इकट्ठा करो और जाओ यहां से, मैं गौरी को बचाए बिना गांव नहीं जा सकता। सिद्धार्थ गौरी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ा और उसे फिर से कहीं से गौरी की आवाज आई, मुझे जल्दी बचा लो सिद्धार्थ, मैं मर जाऊंगी यहां। सिद्धार्थ चिल्लाता है, गौरी कहां हो गौरी तुम? मैं आ रहा हूं तुम्हें बचाने। मोहन को कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो समझ गया था कि सिद्धार्थ किसी भ्रम का शिकार हो रहा था और यह उसके लिए खतरे से कम नहीं था। मोहन अपने पिता बजाज अंकल और बूढ़े बाबा को मदद के लिए बुलाने के लिए वहां से भागा। सिद्धार्थ गौरी की आवाज का पीछा करते हुए जंगल की गहराइयों में चला जा रहा था। जंगल का वो हिस्सा जहां पेड़ इतने घने थे कि दिन के उजाले में भी वहां अंधेरा था, जहां इंसान तो दूर जानवर भी जाने से कतराए, ऐसी जगह पर सिद्धार्थ पहुंच गया था। वहां उससे एक पेड़ के तने के पास एक औरत बैठी हुई दिखी। उसे देखकर सिद्धार्थ बोल पड़ा, गौरी गौरी। गौरी ने अपना सर उठाया और सिद्धार्थ को देखकर रोते हुए दौड़कर आई और सिद्धार्थ के गले लग गई। गौरी रोते हुए कहती है, मुझे यकीन था कि और कोई आए ना आए, तुम जरूर आओगे मुझे बचाने। सिद्धार्थ ने उससे जोरों से गले लगा लिया और भावुक हो गया, कैसे ना आता गौरी, लेकिन लेकिन तुम यहां पहुंची कैसे? कौन तुम्हें यहां लेकर आया? कौन है वो? गौरी ने सिद्धार्थ के मुंह पर अपनी उंगली रखी और उसे चुप करवाया। गौरी ने फिर धीमे से सिद्धार्थ के गालों को चूम लिया। सिद्धार्थ कुछ समझ पाए उससे पहले गौरी ने सिद्धार्थ के होंठों को अपने होंठों से दबा दिया। सिद्धार्थ आंखें मूंद कर उस पल को महसूस करने लगा। गौरी ने सिद्धार्थ को कस के पकड़ा और जोरों से उसे चूमने लगी। गौरी ने धीरे धीरे सिद्धार्थ के शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। सिद्धार्थ ने गौरी से कहा, गौरी हमें वापस जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। गौरी ने कहा, वहां जाकर हम ये नहीं कर पाएंगे, इस पल को बर्बाद मत करो सिद्धार्थ। ऐसा कहते ही गौरी ने सिद्धार्थ के होंठों को चूम लिया। सिद्धार्थ ने गौरी को अपनी बाहों में कस लिया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। धीरे धीरे सिद्धार्थ गौरी के गर्दन से गौरी की छाती और छाती से उसके पेट को चूमते हुए नीचे झुका। गौरी ने सिद्धार्थ को उठाया और उसकी शर्ट निकाली और उसके चौड़े सीने को चूमने लगी। वहां मोहन भागते हुए सर्किट हाउस पहुंचा और अपने पिता को सब कुछ बताया।
लैंड चौपट होते देख सरपंच ने मिस्टर बजाज को बुलाया और उन्हें भी सब कुछ बताया। मिस्टर बजाज को सिद्धार्थ पर गर्व होता है कि उनकी बेटी को बचाने वो अपनी जान खतरे में डाल रहा था। सिद्धार्थ को बचाना जरूरी था, इसीलिए वे तीनों जो हथियार मिले वो लेकर पीछे के रास्ते से जंगल की तरफ रवाना हुए। जंगल पहुंचकर तीनों ने सिद्धार्थ को खोजना शुरू किया, लेकिन सिद्धार्थ का भी कोई अता पता नहीं मिल रहा था। मोहन ने बताया कि सिद्धार्थ उस दिशा की ओर गया है। तीनों उस दिशा में आगे बढ़े। जैसे ही वे लोग आगे बढ़े, जंगल में मौसम ने अपना रुख बदलना शुरू किया। ठंड बढ़ने लगी, घना कोहरा छाने लगा, जिसकी वजह से नजर दूर तक नहीं जा पा रही थी। तब सिद्धार्थ को ढूंढना और भी मुश्किल हो गया था और उनके लिए भी खतरा बढ़ गया था। उधर सिद्धार्थ और गौरी एक दूसरे के आगोश में मस्त थे। सिद्धार्थ ने गौरी को अपनी गोद में उठाकर उसे चूमते हुए एक पेड़ के तने के पास जाकर खड़ा हो गया। गौरी ने सिद्धार्थ के कान और गर्दन को जोरों से चूमकर सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रखा और उसकी चूली उतारने को इशारा किया। सिद्धार्थ हिचकिचाया और उसने अपना हाथ पीछे ले लिया। गौरी ने फिर से ऐसा करने की कोशिश की और फिर से सिद्धार्थ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ऐसा तीसरी बार होने पर गौरी को गुस्सा आया और उसने सिद्धार्थ का जोर से गला पकड़ा और उसे जोरों से दबाने लगी। सिद्धार्थ ने तुरंत उस पेड़ के तने पर रखी अपनी कुल्हाड़ी उठाई और गौरी का गला उसके धड़ से हलक कर दिया। गौरी के गले से फव्वारे की तरह उड़ रहा खून सिद्धार्थ के शरीर को लाल रंग रहा था। गौरी का गर्दन उड़कर मिस्टर बजाज के पैरों के पास आकर गिर गया और उसका धड़ गिरते ही सिद्धार्थ को सरपंच, मोहन और मिस्टर बजाज दिखे, जो उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए थे। गौरी का कटा हुआ सर देख मिस्टर बजाज जोरों से चिल्लाए, मेरी बच्ची! क्यों मार डाला सिद्धार्थ ने गौरी को, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था। क्या होगा जब इनका प्लान बर्बाद हो जाएगा? क्या वीरानगढ़ को इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा या आज की रात वो भेड़िया अमर हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।